हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हैंड स्टैंड के बारे में, जो कि एक स्किल है जिमनास्टिक्स की और एक ये यूज़ होती है कैलिस्थेनिक्स के अंदर। बेसिकली जो हैंड स्टैंड है उसे सीखने के लिए हमें तीन चार चीज़ें हैं जो बिल्कुल आनी बहुत ज़रूरी हैं और जो बिल्कुल ज़रूरी हैं ताकि उसे आप आगे ग्रो कर पाओ, प्रोग्रेस कर पाओ उसके अंदर। तो सबसे पहले आएंगे हम आपका जो रिस्ट की मोबिलिटी है, वो कि जो आपके रिस्ट हैं जब आप हैंड स्टैंड करोगे तो आपका सारा वेट है वो आपके शोल्डर, एल्बो और रिस्ट बेसिकली हैंड पे आएगा। तो आपकी जो रिस्ट मोबिलिटी है वो कैसे इम्प्रूव होगी, वो जो हमारी स्ट्रेच है या फिर जो हम कहें, तो मोबिलिटी की बात करें तो रिस्ट की बात कर रहा था मैं। तो रिस्ट मोबिलिटी, हम रिस्ट एक्सरसाइज करेंगे, रिस्ट स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम एल्बो, तो एल्बो को भी हम घुमाएंगे और मतलब स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में फिर शोल्डर भी जो हमारा रहेगा उसकी स्ट्रेचिंग प्लस उसकी स्ट्रेंथ, एक कह सकते हैं हम स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे ताकि हम हैंड स्टैंड अच्छे से कर पाएँ। और इसके अंदर हम एक और स्किल डाल सकते हैं इसकी जिमनास्टिक्स की ही, जो कि कार्टविल जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर हमें एक जैसा कि नाम है कार्टविल, यानी हमें एक व्हील की तरह घूमना होता है। तो उसके अंदर क्या आता है कि आपके दोनों हाथ हैं वो पैरेलल एक बाय एक करके नीचे जाते हैं, फिर आपके पैर ऊपर आते हैं, फिर आपके पैर दोबारा नीचे आते हैं। तो इसका क्या है, तो जो हमारी बॉडी वेट है तो वो दोनों हाथ पे आता है, उसके बाद दोबारा पैर पे जाता है। तो इससे हमारी थोड़ी सी एक सपोर्ट मिलता है हमें, एक कह सकते हैं हम एक बिगनिंग के लिए एक अच्छा वो रहेगा, ये कह सकते हैं हम ये एक्सरसाइज रहेगी कि वो कार्टविल करेगा तो साथ ही साथ उसे हैंड स्टैंड के अंदर भी फिर फ़ायदा करेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइजेज की ओर, कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है हमें। सबसे पहले हम रिस्ट रोटेशन करेंगे 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देन फिर हम आ जाएंगे शोल्डर पे प्लस एल्बो, फिर शोल्डर बोथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और फिर अल्टरनेट। उसके बाद आ जाएंगे फिर रिस्ट पे, जितना लोड आप दे सकते हो अपने हाथों पे, जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो आप उतना वेट डाल सकते हो। फिर अपोजिट साइड, उसके बाद शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए हम पुशअप्स लगा सकते हैं। और फिर आ जाते हैं हम कार्टविल के ऊपर। कार्टविल के अंदर और मेन हैंड स्टैंड के अंदर बैलेंसिंग रहेगी कि कैसे बैलेंस करना है। तो ये चीज कोरिलेटेड कह सकते हैं, हम इंटरलेटेड कह सकते हैं एक दूसरे से। तो अब आ जाते हैं हम कार्टविल के ऊपर, मैं एक बार कार्टविल परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये भी बैलेंसिंग और उसके अंदर हेल्प करेगी हमारी, ऐसे एक एक करके धीरे धीरे आप फिर 2-3-4 ऐसे बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी बैलेंसिंग प्लस स्ट्रेंथनिंग दोनों हो जाए। तो अब चलिए अब हम आते हैं हैंड स्टैंड कैसे करना है सीख लेते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो सबसे पहले हमारा हैंड स्टैंड का क्या रहेगा, जो हमारे हाथ हैं वो हम प्लेस कर लेंगे बिल्कुल हमारी शोल्डर विड्थ पे, जो हमारी शोल्डर विड्थ है उस पर प्लेस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले बॉडी बैलेंस करेंगे, उसके बाद पहला पैर फेंकेंगे और फिर जो सेकंड लेग है उसे हम थ्रोअप करेंगे। तो ऐसे ही इसे परफॉर्म करना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाएगी वो आएगी जो हमारी रोल है। जब आप हैंड स्टैंड कर लेते हो उसके बाद हमें रोल कैसे करना है, अपनी जो गर्दन है ताकि हमें इंजरी ना हो उसके लिए हमें अपनी गर्दन को रोल कर लेना है। उसके बाद पीठ के बल गर्दन को सॉरी नीचे कर लेना है और पीठ के बल फिर रोल कर देना है ताकि हमें इंजरी से बच सके और हमारी हल्की सी परफेक्शनिस्ट भी आ जाएगी इसके अंदर, परफेक्शन आने लग जाएगी धीरे धीरे। तो इसे हम तीन तरीके से और भी कर सकते हैं या फिर हम कहें हाँ तीन तरीके से। तो फर्स्ट टाइम में जो आएगा वो आएगा कि हम पार्टनर की हेल्प से कर रहे हैं, फिर सेकेंड आ जाएगा हम वॉल की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है, फिर थर्ड में आ जाएगा कि विदाउट एनी हेल्प हम खुद उसे परफॉर्म कर रहे हैं विद बैलेंस और विद रोल और विद परफेक्शन। तो जैसे कि हमने देखा कि कैसे हमें हैंड स्टैंड करना है,
क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या फॉलो थ्रू हैं, इंजरी से बचने के लिए हमें क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे हैंड स्टैंड को एक परफेक्ट करती हैं, एक ग्रोथ लाती हैं। जब हम करते हैं इसे धीरे धीरे ये परफेक्ट होता जाएगा और ये कोई कम टाइम नहीं लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, नियरली 1 to 2 months लग जाएंगे इसे अच्छे से करने के लिए, अच्छा बैलेंस बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।